धन्यवाद मैडम, आपने हमें बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी के बिल के समर्थन में बोलने के लिए हूँ। मैडम, आपको बताना चाहती हूँ कि आज का जो विषय है बेहद ही संवेदनशील है। उसके बारे में अगर हम गहराई से सोचते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। मानसिक रोगियों के बारे में जब हम उनकी स्थिति का आकलन करते हैं तो हम जिस स्तर पर जाके कार्य करना चाहिए था अभी हम कर नहीं पाए हैं। पिछले 2015 के लोकसभा में यह स्पष्ट किया गया था कि इनकी संख्या 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक गंभीर मानसिक विकार से ग्रस्त हैं, जिनमें से सिजोफ्रेनिया और बायोपोलर डिसऑर्डर प्रमुख हैं। मैडम, यही नहीं, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन और चिंता के जैसे सामान्य मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले 18 से 20 सालों में मानसिक रोगों की वजह से 1,79,378 लोगों ने आत्महत्या की। राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान संस्था में नए आंकड़े के मुताबिक देश में प्रभावित लोग 8,409 लोग थे, लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों के लोग शामिल हैं। मैडम, ये दिन प्रतिदिन इसकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक हुई जा रही है, क्योंकि जो लोग इस बीमारी से पीड़ाग्रस्त हैं उनके परिवार वाले उनको हॉस्पिटल तो ले जाते हैं, उनको इलाज के लिए ले जाते हैं, पर जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनको रखने से कतराते हैं। मैंने खुद भी इस चीज़ को बहुत अनुभव किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे जो मानसिक रोगी होते हैं उनके लिए हम लोगों को बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि जब ये अपने घर नहीं जाते हैं तो हॉस्पिटल में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और वो लोग वहीं रहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, उच्चतम न्यायालय ने मानसिक रोगियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी देने के बजाय उनके लिए एकत्रित राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर जोर दिया है। अध्यक्ष जी, ऐसे रोगियों के अधिकतर लोग गरीब परिवार के होते हैं और एक पहले ही मानसिक बीमारी के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है। फिर इन मानसिक रोगियों से ग्रस्त लोगों को कोई काम भी नहीं देता है और इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि ऐसे मानसिक रोगियों की चिकित्सालय से छुट्टी होने पर इनको ऐसा स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रशिक्षित किया जाए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर हाथ को काम हो, और अगर इनके स्किल डेवलपमेंट के तहत इनको डेवलप किया जाएगा तो उनके हर हाथ में काम होगा, वो अपने परिवार का भी जीवन यापन बड़े ही सम्मान के साथ कर सकेंगे। माननीय मंत्री जी ने इस पे बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है कि जो भी हॉस्पिटल्स है, जो भी उसके हॉस्पिटल में उपकरण है उसको आधुनिकीकरण किया है, उसको और बेहतर करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपने हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।